तो दोस्तों, कौन स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि क्या अब कौन स्मॉल कैप फंड में यहां पर लमसम करने का अच्छा मौका है, या फिर अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए अगर आप कौन स्मॉल कैप फंड में लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप लंबे टाइम के लिए SIP करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको इसमें क्या करना चाहिए। पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 1 साल में आप देखेंगे एक जबरदस्त रिटर्न कौन स्मॉल कैप फंड ने दिया है। तो क्या ये जो फंड कौन स्मॉल कैप फंड जनरेट कर रहा है, क्या ये आगे भी ऐसी ही रिटर्न्स जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कॉर्न स्मॉल कैप फंड के फंड साइज की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो 8,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। अब धीरे धीरे जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा होने लगा है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में, तो मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में ही ये पैसा लगाकर चल रहा है अभी भी, 69% के आसपास, लार्ज कैप कंपनीज में 14% और मिड कैप कंपनीज में 2% के आसपास पैसा है। तो अभी भी स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा ज़्यादा है, लेकिन ये लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में भी इस वक्त पैसा यहाँ पर लगाकर चल रहा है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की, तो ये एक थोड़ा कंसर्न आपके लिए होना चाहिए। एक्सपेंस रेशो अब इसकी धीरे धीरे बढ़कर 0.77% के आसपास तक हो गई है। तो धीरे धीरे इनकी जो एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा हो गई है। कैटेगरी एवरेज से भी अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा एक्सपेंस रेशो अब ये फंड यहाँ पर चार्ज करने लगा है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताती है कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है किसी भी फंड में। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इस फंड में है, वो एक आपको यहाँ पर समझ कर चलना ज़रूरी है। दूसरा, शार्प रेशियो जो ये बताता है कि फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, तो शार्प रेशियो इस फंड की अभी भी काफ़ी अच्छी लगती है, 2.4% के आसपास। टर्नओवर रेशियो इसकी स्लाइटली ज्यादा है, हालांकि आज से 2-3 साल पहले जब इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,000 करोड़ के आसपास था, तब 300-400% के आसपास की इसकी टर्नओवर रेशियो हुआ करती थी, जो अभी काफ़ी लिमिटेड आप यहां पर समझ सकते हैं, 72% की। तो स्टेबिलिटी के एंगल से थोड़ा सा ये फंड जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका बढ़ने लगा है, स्टेबिलिटी की तरफ यहां पर बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वाले एंगल से ये फंड ट्रेड नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें इसकी सेक्टर की, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 4 सेक्टर में मेजरली पैसा है, फाइनेंशियल, मेटल्स एंड माइनिंग, सर्विसेज, हेल्थ केयर। हालांकि अगर आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, तो हर 3-4 महीने में ये जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं इसमें बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कंसिस्टेंटली ये फंड 20-25% पैसा लगाकर चल रहा है। मेटल एंड माइनिंग, सर्विसेज, हेल्थ केयर, ये सेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। आज से 4-5 महीने पहले तक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 10-12% पैसा था, आज वो टॉप 5 से भी गायब हो चुका है। तो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करते हुए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस फंड की समझनी ज़रूरी है कि ये फंड ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, ज़्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में क्विकली करता है, और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो ऐसे फंड की तरफ आपको देखना चाहिए। अगर हम इसकी कंपनीज पे बात करें, तो अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे इसने काफ़ी चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में किए हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, जियो फाइनेंशियल, ये तीनों ही कंपनी इसके पोर्टफोलियो में नई है अगर हम 3-4 महीने पुरानी बात करें। इसके अलावा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, अरविंद, तो इन टॉप 10 कंपनीज में से आप देखेंगे लगभग 5-6 कंपनीज ऐसी हैं जो इसने रिसेंटली ऐड की है, और 4-5 कंपनीज जैसे कि HFC जैसी कंपनी है जो ये काफ़ी लंबे टाइम से अपने पोर्टफोलियो में रखकर चल रहा है। तो स्टेबिलिटी के एंगल से अगर आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली पैसा ये फंड किसी एक कंपनी में लगाकर नहीं चलता है, तो वो एक चीज आपको यहां पर समझनी है। हालांकि रिटर्न्स जो है ये फंड बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स दे रहा है। रिटर्न्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में आज से 10 साल पहले लगाए होते, तो 54,000 रुपीज वो हो गए होते, लगभग 18% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने 10 सालों में दी है। 5 साल में 31% की रिटर्न है, और 3 साल में 48% के आसपास की रिटर्न है, 1 साल में 35% के आसपास की रिटर्न है। तो रिटर्न अगर हम देखते हैं, तो 5 सालों में 31% की रिटर्न अगर कोई फंड जनरेट कर रहा है तो एक जबरदस्त रिटर्न है। हर फंड ऐसा करने में कामयाब नहीं होता है, चाहे किसी भी कैटेगरी के फंड की हम बात करते हैं, तो उस मामले में ये फंड एक्सेप्शन होकर बनकर चल रहा है।
इसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी SIP के बाद बात करें तो SIP इन्वेस्टमेंट में अगर हमने 1,000 रुपये से इस फंड में 10 साल पहले शुरुआत की होती तो आपका लगाया हुआ 1,20,000 रुपये इस फंड ने लगभग 4,30,000 रुपये के आसपास बना दिया है। 24% के आसपास की रिटर्न 10 सालों में है, 5 साल में 42% की रिटर्न है, 3 साल में 37% की रिटर्न है। तो SIP में भी एक ज़बरदस्त रिटर्न इस फंड में आपको देखने को मिल रही है। किसी भी एंगल में देखें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, सभी एंगल से एक अच्छी खासी रिटर्न ये फंड जनरेट कर रहा है। और अगर आप इसके बेंचमार्क इंडेक्स से भी इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी अच्छी, एक्सट्रीमली अच्छी रिटर्न है, 1 साल में 35%। अब आपको एक चीज़ समझ रही है कि 1 साल की ये जो 35% की रिटर्न है तो 1 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली पिछले 3-4 साल महीनों की अगर हम बात करते हैं तो वो रिटर्न्स यहाँ पर एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 साल में 31%, 3 साल में 48%, तो रिटर्न में कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या जो ये इसने पिछले 10 सालों में रिटर्न्स जनरेट की है, क्या आने वाले 10 सालों में भी ऐसी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर सकता है या नहीं। तो ये चीज आपको समझनी है कि आज से 2-3 साल पहले तक पिछले 10 साल में जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो बहुत कम हुआ करता था, 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, इस लेवल का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और अब बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और पिछले 4 महीने में ही इसने अपना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो डबल कर लिया है। अगर हम इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की हिस्ट्री यहां पर देखते हैं तो आपको यहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं अप्रैल 2023 में सिर्फ 4,000 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट था, जो 3-4 महीने में ही बढ़कर 8,000 करोड़ के आसपास हो गया है। 1 साल पहले अगर आप देखते हैं तो 2,200 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट था, जो अभी 8,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि 1 साल में इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 4 गुना के आसपास हो गया है। अब यहाँ पर जो रिस्क है वो यही बढ़ता है कि क्या ये फंड, अभी तक तो ये फंड ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर रहा था और ये फंड किसी भी कंपनी को खरीदता था स्टॉक मार्केट में, ना कोई भनक लगती थी, ना कोई बहुत ज्यादा बात होती थी, शेयर को बेचना और खरीदना इस फंड के लिए काफी आसान था। लेकिन जैसे जैसे किसी भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है, जैसे इस फंड का 1 साल में ही 4 गुना हो गया एसेट अंडर मैनेजमेंट, वहां पर जब एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होता है तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़ कि ये जो इसने 10 सालों में 24-25% की रिटर्न जनरेट की है ये इसको आने वाले टाइम में रेप्लिकेट कर पाए, क्योंकि जो रिस्क है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। और ये फंड धीरे धीरे, जैसे हमने यहाँ पर देखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, तो टॉप लार्ज कैप कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने लगा है ताकि अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी स्टेबिलिटी ला सके। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात लमसम से रिलेटेड, तो देखिए इस वक्त मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छी खासी रिटर्न्स आ चुकी है, तो ये चीज़ मैंने आपको 1 महीने पहले भी बोली थी और ये बात इस फंड के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि ऑलरेडी रिटर्न्स अच्छी आ चुकी है स्मॉल कैप कंपनीज में, तो अभी आपके लिए लमसम करना किसी भी स्मॉल कैप फंड में बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। तो लमसम तो आपको कम्प्लीटली इस मौके पर अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। धन्यवाद।